की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार प्रतिनिधि यदि गंभीरता से कमर कस लें तब गांव का सर्वांगीण विकास चारों ओर दिखने लगता है और गांव की मूलभूत समस्याएं दूर होने लगती है। ऐसा ही ग्राम पंचायत बसना जनपद क्षेत्र के सरकंडा में देखा गया, जहां सरपंच की दूरदर्शिता और सूझबूझ के चलते गांव में चारों ओर विकास योजनाएं संचालित हो रही। वहीं दूसरी ओर गांव में लोगों को मूलभूत समस्याओं से अब जूझना नहीं पड़ रहा। गांव में बिजली पानी जैसी जरूरतों को पूरा होते देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं महासमुंद जिले के बसना जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत सरकंडा की, जहां के सरपंच कुंजमन नायक का पंचायत के प्रति समर्पण और कार्यों में बढ़ती जा रही पारदर्शिता के चलते ये गांव मूलभूत समस्याओं से आगे निकल गया है तथा लोगों को जहां पंचायत के कार्यों में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव में बिजली पानी सड़क जैसी समस्याओं के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा। आपका नाम? निरंजीकर। कहाँ रहते हैं? सरकंडा। अभी जो सरपंच है यहाँ कुंजमन नायक, उनके कार्यकाल में गांव में किस तरह का काम हो रहा है? सब काम अच्छा तरह से हो रहा है और मतलब यहाँ तरक्की बहुत ज्यादा हो रहा है, काफी विकास हो रहा है। काफी विकास। ये सरपंच आने के बाद से काम ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। किसको श्रेय देंगे इसके लिए? इसके लिए अब सरपंच जी को तो दे ही रहे हैं और गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं सर। आप गांव के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं। जी, जी। गांव में क्या क्या समस्या थी और ये सरपंच बनने के बाद कैसे दूर हो गई वो? अब सब काम को मतलब लोग कलेक्शन करवा के पास करवाए हैं और काम करा रहे हैं। अभी सारी समस्याएं दूर होती जा रही है। हम बता दें कि सरपंच की सूझबूझ के चलते गांव में लगभग 500 से ज्यादा लोगों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिल रहा है। वहीं पेयजल के लिए नल के माध्यम से पानी की सप्लाई हो रही है, साथ में गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है तथा सैकड़ों लोगों को पेंशन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। नायक जी, आपके सरकंडा पंचायत में काफी सारे विकास काम हुए हैं और बहुत अच्छा, पहले की स्थिति से पंचायत में काफी सुधार हो चुका है। कैसे हो रहा है ये सब और क्या क्या काम हुए हैं? मेरे यहाँ अभी तक विधायक मत में 15 लाख के काम हो चुके हैं, जिसमें सीसी रोड है और नाली निर्माण का है और कचड़ी का है और ये गौठान का वर्मी टैंक और कोटना, ऐसे करके इस 3 वर्ष कार्यकाल में बहुत सारा काम हो। बीच में कोरोना काल भी आया था, उसके बाद भी आपका पंचायत बाकी पंचायतों से काम के मामले में काफी आगे है। हाँ है। तो ये कैसे संभव हो रहा है? अब देखिए कि मतलब अपने यहाँ मतलब कोरोना काल में भी काम को हम विकास कार्य को नहीं रोके, मतलब धीरे धीरे करके काम चलता रहा। तो ये सब हो रहा है। पब्लिक की सुविधा के लिए और क्या क्या काम आपका आगे कराना चाहेंगे? पब्लिक की सुविधा के लिए अपने ग्राम पंचायत सरकंडा में सीसी रोड का कार्य कंप्लीट हो चुका है। आश्रित गांव पैता में सीसी रोड का कार्य बाकी है और कुछ तालाब है जहां पछड़ी अधूरा है, मतलब वह नहीं है, उसको करना है। बाकी तो मेरे यहां पूरा कंप्लीट विकास काम हो रहा है। किसको श्रेय देना चाहेंगे इसके लिए? क्या शासन से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? शासन से बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, मतलब कांग्रेस बीजेपी वाले मैटर नहीं है, बाकी जो भी है सरकार की तरफ से मतलब बहुत ही बढ़िया। अभी 3 वर्ष के कार्यकाल में हमारे पंचायत में बहुत ज्यादा विकास।